नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। अमेरिका और यूरोप के देशों को चिंता है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब उनके देशों में अगली वेव आएगी कोविड की। दूसरी तरफ इंडिया में अब लोगों को चिंता हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है डेल्टा प्लस वेरियंट की वजह से। तो क्या है ये डेल्टा प्लस वेरियंट और कब आ सकती है ये थर्ड वेव, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। म्यूटेशंस के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि ये हर लिविंग बीन में होती हैं, चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो या फिर कोई वायरस हो। जब जब रिप्रोडक्शन होता है तब तब म्यूटेशन होती है। एक डीएनए जो इंसान का होता है, जब आप अपने बच्चे पैदा करते हैं, जब डीएनए ट्रांसफर होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑन एवरेज 100 से 200 म्यूटेशंस होती हैं डीएनए में। अब ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होती हैं, दिखाई नहीं देती, उनका कोई असर दिखता नहीं है। सेम विद वायरस, हजारों म्यूटेशंस होती हैं कोविड के वायरस में, ज्यादातर से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना देती हैं वायरस को, जिससे कि वायरस ज्यादा आसानी से फैले, या फिर कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो वायरस को ज्यादा डेडली बना देती हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस की डेंजरस म्यूटेशंस का ट्रैक रखता है। इन्हीं डेंजरस म्यूटेशंस को WHO ने दो कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। ब्रॉडली स्पीकिंग, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं और जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जिनकी ना सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ना सिर्फ वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं, बल्कि जो डिजीज होता है उनकी वजह से वो डिजीज भी ज्यादा सिवियर होता है, और जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है इन वेरियंट्स पर वो कम होती है ओरिजिनल वायरस के कंपेरिजन में। आज के दिन WHO ने 4 वेरियंट्स को वेरियंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाल रखा है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा वेरिएंट को पहले यूके वेरिएंट कहा जाता था क्योंकि ये सबसे पहले यूके में पाया गया था। ऐसे ही बीटा वेरिएंट जो था वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील में और डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पाया गया था, इसलिए पहले इसे इंडियन वेरिएंट करके भी बुलाते थे। लोगों ने बाद में हल्ला मचाया, कहा कि क्यों इनके नाम कंट्रीज पर रख रहे हो, चाइना से जब ओरिजिनल वायरस निकल के आया है उसका ओरिजिनल नाम हमने कभी वुहान वायरस या चाइना वायरस तो नहीं रखा, तो इनका नाम, वेरिएंट्स का नाम क्यों कंट्रीज के नाम पर रखा जा रहा है। तो WHO ने इस पे रिएक्ट किया और इसके बाद WHO ने कहा ठीक है, हम इनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा दे देते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट का स्ट्रेन सबसे पहले अक्टूबर 2020 में पाया गया था इंडिया में, इसी की वजह से ही सेकेंड वेव आई थी इंडिया में। आज के दिन डेल्टा वेरिएंट 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है, यानी ये बहुत आसानी से फैलता है। आगे बढ़ने से पहले वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किस देश में कौन सा वेरिएंट निकला है ये सिर्फ चांस की बात है, कभी भी किसी भी देश को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने बताया हजारों म्यूटेशंस हो रही हैं वायरस में, कौन सी वो म्यूटेशन होगी जो ज्यादा डेंजरस निकलेगी, ज्यादा ट्रांसमिसिबल निकलेगी, ये सब चांस की बात है और कौन से देश में म्यूटेशन पाई जाएगी। तो एक्सट्रीमली हाई को मैथमेटिकल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो स्टडीज ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट से, और अल्फा वेरिएंट 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था ओरिजिनल स्ट्रेन से जो वुहान में पाया गया था 2019 में। तो इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा और इन्फेक्शियस है। आम तौर पर वायरसेस जब म्यूटेट होकर ज्यादा ट्रांसमिसिबल बनते हैं तो ये कम डेडली भी हो जाते हैं। इस चीज को मैंने इस चार्ट के द्वारा पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था डिटेल में, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हो सकते हैं जहां पर वायरस म्यूटेट होकर ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी बने और ज्यादा डेडली भी बने। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी ऐसी कंक्लूसिव रिसर्च नहीं निकल कर आई है जो बताती है कि डेल्टा वेरिएंट फॉर श्योर ज्यादा जानलेवा है या ज्यादा डेडली है। एक स्टडी ने जरूर बताया है यूके में जो कंडक्ट करी गई थी कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो डबल हो जाता है अल्फा वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन क्या हॉस्पिटलाइज होने का मतलब यह है कि ज्यादा डेडली होगा, ये भी अभी कंक्लूसिवली बताया नहीं जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वेरिएंट ज्यादा जानलेवा ना हो, बस क्योंकि इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है ये, इतने ज्यादा लोगों में इतने कम टाइम में फैला, तो जो डेथ का रेट था वो उस शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा पीक कर गया एज कंपेयर टू एक लंबे टाइम पे उतनी ही डेथ्स होती। तो
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? अगर ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है तो इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि ये सही में ज्यादा डेडली है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स को यहां पर कंसिडर करना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये जानने वाली है कि डेल्टा वेरियंट के जो सिम्टम्स है वो थोड़े से अलग है ओरिजिनल COVID-19 के सिम्टम्स से। ओरिजिनली कभी भी रनी नोज को इतना बड़ा सिम्टम नहीं बताया गया था, लेकिन यूके में एक स्टडी कंडक्ट करी गई रिसेंटली, जब लोगों ने सेल्फ रिपोर्ट किया अपने सिम्टम्स को, तो पाया गया कि डेल्टा वेरियंट के जो सिम्टम्स हैं उनमें रनी नोज काफी ऊपर आता है सिम्टम्स की कैटेगरी में। सरदर्द होना, रनी नोज होना, जुखाम होना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, ये टॉप 3 सिम्टम्स आ रहे हैं अब। तो डेल्टा वेरियंट के सिम्टम्स एक्चुअली में अब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से काफी सिमिलर है। लॉस ऑफ स्मेल, मतलब सही से चीजों को सूंघ ना पाना, ये काफी बड़ा सिम्टम बताया जाता था ओरिजिनल COVID-19 के स्ट्रेन में, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में इसकी रैंक 9th बताई जा रही है इस यूके की स्टडी में। वैक्सीन्स को लेकर अच्छी खबर ये है कि अभी तक जितना भी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन्स इफेक्टिव जरूर हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। जैसे कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका अपनी कोविशील्ड वैक्सीन्स जैसी वैक्सीन्स ने दिखाया है कि वो 90% से ज्यादा इफेक्टिव हैं हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करने में, अगर आप दोनों डोजेस लेते हैं और आपको डेल्टा वेरिएंट हो जाता है तो। बस थोड़ी सी दिक्कत इस चीज में आती है कि सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में दोनों वैक्सीन्स की इफेक्टिविटी कम हो गई है। जैसे कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की इफेक्टिविटी सिम्टम्स प्रिवेंट करने में डेल्टा वेरियंट के अगेंस्ट सिर्फ 60% तक रह गई है दोनों डोजेस लेने के बाद। हालांकि फाइजर जैसी वैक्सीन इसमें भी 88% इफेक्टिवनेस दिखा रही है। अब डेल्टा वेरिएंट इंडिया के लिए तो कोई इतनी बड़ी चिंता की बात रही नहीं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम की म्यूटेशन अब न्यूज में सुनने को आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक थर्ड वेव आ जाएगी। अभी तक जो लिमिटेड रिसर्च कंडक्ट करी गई है इसके बारे में, उसमें पाया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट 60% ज्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और कुछ ड्रग्स के खिलाफ ये हाईली रेजिस्टेंट है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, सच बताऊं तो अभी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाली है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है, इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि अभी ये बहुत जल्दी है बताना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोई थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। तो ये शायद थोड़ा अनलाइकली दिख रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक थर्ड वेव आएगी, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत हाई चांस है कि एक थर्ड वेव आएगी तो जरूर इंडिया में। जो गैप दो वेव्स के बीच में बताया जाता है ये आमतौर पे 15 से 16 हफ्ते होता है एक एपिडेमिक में। 40 मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक रॉयटर्स पोल कंडक्ट किया गया था जिसका कंक्लूजन ये निकला। इन एक्सपर्ट्स ने कहा कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, कि आएगी तो जरूर थर्ड वेव, और इनका मानना था कि इन्हें लगता है कि ये थर्ड वेव अक्टूबर इस साल तक आएगी। दूसरी तरफ एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि थर्ड वेव अगले 6 से 8 हफ्ते में भी आ सकती है अगर लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी। लेकिन डॉक्टर एनके अरोरा जैसे भी कई एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर एनके अरोरा फॉर एग्जांपल चीफ हैं सेंटर के COVID-19 वर्किंग ग्रुप के, जिनका कहना है कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव एक्चुअली दिसंबर से पहले नहीं आने वाली इस साल के। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के एस्टिमेशंस लगाए गए हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये तो टाइम की बात हुई, लेकिन अगर हम सिवियरिटी की बात करें कि कितनी खतरनाक हो सकती है थर्ड वेव, तो इसको लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बताया है कि थर्ड वेव वेरी लाइकली है कि ये इतनी सिवियर नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव हुई थी, मतलब उससे कम हानिकारक हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है? ये भी नहीं हुआ इसका मतलब, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेकर देखो। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट वेव ओरिजिनल कोरोना वायरस की वजह से आई, इस चार्ट को देखो जरा। उसके बाद सेकेंड वेव आई इनके बीटा वेरियंट की वजह से, जो साउथ अफ्रीका में ही पाया गया था, और अब थर्ड वेव आ रही है डेल्टा वेरियंट की वजह से। और थर्ड वेव और सेकेंड वेव ऑलमोस्ट इक्वली डेंजरस लग रही है और कितनी तेजी से फैली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका ब्लेम उनकी सरकार पर जाता है जिन्होंने ढंग से प्लानिंग नहीं करी, वैक्सीन रोल आउट ढंग से नहीं हुआ। आज के दिन उनके देश में 5% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। अगर ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी होती तो डेल्टा वेरिएंट इतना बुरा असर ना करता। इसराइल का एग्जाम्पल लेकर देख लो, जहां पर 60% के अराउंड पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। जब इसराइल में डेल्टा वेरिएंट आया, सरकार ने कुछ मेजर्स जरूर उठाए, लोग कुछ जरूर इन्फेक्ट हुए, लेकिन
हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स अभी भी नेग्लिजिबल हैं इसराइल जैसे देश में। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि रीसेंट टाइम्स में इंडिया का वैक्सीनेशन रेट बड़ी तेजी से बढ़ गया है। अभी रिसेंटली इंडिया ने 8 मिलियन वैक्सीनेशंस एक दिन में करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बहुत अच्छी चीज है ये। जितनी जल्दी वैक्सीनेशंस लगाई जाएंगी, जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट करे जाएंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे हमारे थर्ड वेव को बीट करने के। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि शायद इस स्पीड का वैक्सीनेशन रेट भी काफी ना हो थर्ड वेव को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए। सरकार का एम है कि साल के एंड तक जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया की वो सब वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये करने के अभी हम ट्रैक पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एट एन इंडिविजुअल लेवल थर्ड वेव से बचने का एक ही श्योर शॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और वो ये है कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी जाकर अपनी वैक्सीन लगवाई आइए। आज ही चांस की बात है कि मैंने भी अपनी वैक्सीन लगवाई है, आज जाकर मुझे मौका मिला ये करने का, क्योंकि हो सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट से थर्ड वेव ना आए। लेकिन याद रखिए कि हजारों म्यूटेशंस होने लग रही हैं इस वायरस में हर दिन। पता नहीं कौन से दिन एक ऐसी म्यूटेशन निकल जाए जो और भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो, और भी ज्यादा डेडली हो, जिसकी वजह से एक थर्ड वेव आए। इसीलिए वैक्सीन ही हम सबका बेस्ट चांस है इससे बचने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।